हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल सो आज हम लोग बात करने वाले हैं कंबाइंड नोटिफिकेशन फॉर नेट एसएमएस एसटीओ एग्जामिनेशन 2023 रिलीज्ड बाय रिलीज बाई दैट इज एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड फॉर 2023 दे हैव नोटिफाइड द नेट एग्जामिनेशन एस एज वेल एज एस एमएसामिनेशन फॉर एस टी ओ एंड एस एमएस दिस इज द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर दोज कैंडिडेट हुव नॉट क्लियर देयर नेट दे कैन अपियर दैट ऑल्सो who have just passed their masters degree they have to appear the net exam for uh, qualifying the net which is the basic requirement for application of assistant professor in different universities and this is a opportunity for uh, those students who are appearing for any who are uh, waiting for any job uh, by icr because uh, still uh, ICR has not notified. ASRB has not notified the ARS examination for this uh, this year, uh, but uh, the director general, the DG of ICR, he has mentioned to notify the for ARS post in uh, early February, but it's uh, March end, but he has not notified uh, the ARS post so uh, this is a uh, opportunity for this is a great opportunity for masters degree uh, who have qualified masters degree in different stream, streams of agriculture to appear the senior technical officer that is t6 post uh, and sms uh, which uh, those kbks which are under icr institution of uh, it, it it in through this process through this exam they are screening for the sms post in those uh, icr those kbks under icr institutes सो प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है प्रॉब्लम ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ दिस एप्लीकेशन प्रॉब्लम पेमेंट में हो रहा है क्योंकि इस टाइम जो पेमेंट है वो थ्रू भारत को उसके माध्यम से जा रहे हैं टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी एंड ऑल सो उसमें डायरेक्ट लिंक ओपन नहीं हो रहा है आपको भारत को उसके वेबसाइट में जाना पड़ेगा वहां पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा तो वहां पे स्टूडेंट लोग समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पेमेंट करें और उस पेमेंट रिसिप्ट कभी कभी आप डाउनलोड नहीं कर पाते हो फिर आपको वहाँ से रिसिप्ट डाउनलोड करके आपको अपलोड करना पड़ेगा फिर जाके रजिस्ट्रेशन करके एस आर साइट में तो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है स्टूडेंट्स को uh, मैं भी कल अब कल ही अप्लाई किया हूँ ऑन थर्टीथ मार्च ट्वेंटी फॉर दिस एस एम एस एंड पोस्ट सो वाट प्रॉब्लम्स आई फेस्ड एंड वट दॉब्लम अदर स्टूडेंट्स आर फेसिंग सो आई जस्ट Uh, मुझे पता चला कि ये, ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आई जस्ट आई जस्ट थॉट कि इसको एड्रेस करने की कुछ uh, बता देते हैं एक वीडियो बना लेते हैं तो फिर स्टूडेंट्स बेनिफिटेड रहेंगे राइट सो बिफोर दैट लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट द एग्जाम इट हैज नोटिफाइड इन फोर्टींथ मार्च द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इट वाज मेन्शन आर्ली इन ट्वेंटी सेकेंड मार्च बट इट स्टार्टेड फ्रॉम ट्वेंटी गो ऑन अप टू टेंथ अप्रिल सो बाई द टाइम यू जस्ट फिल अप द अप्लीकेशन फॉर्म बिकॉज अगर आपको आपके चॉइस का जो सेंटर है वो नहीं मिलेगा तो फिर आपको थोड़ा परेशानी uh, होगा तो आप जितना जल्दी हो सके इसको ऑलरेडी फोर फाइव डेज गन सो so, आप अप्लाई कर देना चाहिए अभी तक अगर नहीं किए हो अभी uh, जैसे कि दूसरे uh, बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं पेमेंट में तो अगर नहीं किए हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा होने वाला है सो so, uh, the exam may be from 26th to 30th april which is uh, which is uh, in different days uh, there will be different stream uh, for examination uh, for cbt examination that is computer based online examination uh, as all of you know the the net examination is always computer based and this is a screening examination for those who are appearing for sms and stu as well

Uh, यहां से देखना पड़ेगा कि मुझे कितना पेमेंट करना है फिर जाके आप भारत पे में उतना अमाउंट लिखोगे वहां पे फिर आपको uh, जो है पेमेंट करना पड़ेगा राइट सो बिफोर रजिस्ट्रेशन आई थिंक देर इज ऑप्शन टू चूज वट एग्जाम यू आर यू आर विलिंग टू अप्योर एंड वट इज योर यू नो कैटेगरी इफ इट इज़ ऑन रिजर्व इफ एंड यू आर अपेयरिंग फॉर नेट एस एम एस एज वेल एज एस्ट यूर देन यू हैव टू पे फिफ्टीन हंड्रेड

एस एम एस का कोई फी नहीं देना पड़ेगा एस टी ओ का भी फी नहीं देना पड़ेगा एंड फॉर नेट ओनली टू फिफ्टी रुपीज दे हैव टू पे सो दिस इज अबाउट हाउ मच मनी यू नीड टू फॉर दिस अप्लीकेशन देन आपको क्या करना है आपको भारत को उसके वेबसाइट में ही आपको फॉर्म पहले आपको तो रजिस्ट्रेशन करना है उसके बाद आपको जो भी आपका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको फिल करना है देन आपको क्वालिफिकेशन फिल करना है देन आपका अगर कुछ एक्सपीरियंस है उसको भी फिल करना है आपको देन उसके बाद आपको जो फोटो देन आईडी प्रूफ एनी आईडी प्रूफ फोटो सिग्नेचर एंड योर थॉम इम्प्रेशन दैट यू हैव टू अपलोड देन इट विल बी रि रीडायरेक्टेड यू टू पे इन थ्रू भारत कोर्स ओके सो भारत कोर्स के बारे में थोड़ा यहाँ पे आपको स्टेप्स मेंशन होगा अनेक्शर uh, वन on पे आई थिंक सो फिलअप के फॉर्म फिलअप के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ये तो जनरल प्रोसीजर है जैसे कि आप बाकी सब फॉर्म फिल कर रहे हैं उसी हिसाब से आपको फॉर्म फिलअप करना है हाँ फॉर्म फिलअप में एक ब्लंडर हुआ है एंड दिस इज ए सिस्टम ब्लंडर सो वेनवर यू आर राइटिंग द देसिस टाइटल ऑफ योर पी एच डी यू कैन सी इन स्पेशलाइजेशन इट टाइटल एंड इन टाइटल इट मैं इट इज मैंशनिंग द स्पेशलाइजेशन सो दैट इज ए ब्लॉन्डर फ्रॉम द सिस्टम इट सेल्फ सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम अच्छा हाउ यू कैन पे द अप्लीकेशन फी थ्रू भारत कोस्ट सो यू हैव टू ओपन द लिंक भारत कोस्ट डॉट जी ओ वी डॉट इन वहाँ पे आपको नॉन रजिस्टर्ड यूजर आपको लॉग इन नहीं करना है नॉन रजिस्टर्ड यूजर में आपको क्लिक करना है उसके बाद आपको क्या करना है uh, उसके बाद आपको सिलेक्ट uh, इंडिविजल पे क्लिक करना है उसके बाद वहाँ पे मिनिस्ट्री में आपको एग्रीकल्चर सिलेक्ट करना है जीरो जीरो वन नहीं आएगा आपको सिर्फ एग्रीकल्चर लिखा रहेगा उसको सिलेक्ट करना है उसके बाद क्या करना है उसके बाद आपको आ, ये टाइप ये करना है उसके बाद सोर्स में आपको एग्जामिनेशन टाइप करना है उसके बाद आ, ये सिर्फ एग्रीकल्चर के अंडर ये दिस प्रॉम्प्ट विल बी देयर सो आपको ये सिलेक्ट कर देना है उसके बाद यह सब ऑटोमेटिकली वो लेगा देन आपको अच्छा आपको जो भी आप फिलअप करें सपोज आप ओमेन कैंडिडेट है एंड आप सिर्फ एस टी ओ एंड एस एम एस के लिए अप्लाई कर हैव टू इवन इन नॉट टू जस्ट जीरो फी पे करना है और आपको अगर नेट अप्लाई करना है तो टू फिफ्टी रुपीज़ भरना है या फिर आप ओ बी सी कैंडिडेट हो एंड यू आर अप्लाइंग फॉर ऑल दिस नेट एस एमएस एंड एस टी ओ सो आपको फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ पे करना है सो so, आपको लिख देना है वहाँ पे फिफ्टीन हंड्रेड देन आपको कैप्चा जो है उसको फिल करना है देन नेक्स्ट पेज में आपको डिपोजिटर्स डिटेल मिलेगा वहां पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो नेम एड्रेस ये सारी चीज फिलअप करना है देन आपको नेट बैंकिंग हो या फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में आपको पेमेंट कर देना है पेमेंट करने के बाद आपको रिसिप्ट प्रिंट कर देना है ठीक है जो कि आपको जरूरत पड़ेगा अगेन आपको लॉग करके वहां पे एस साइट में आपको उसको अपलोड करना है रिसिप्ट सो so, कहीं पे कहीं कहीं पे जो स्टूडेंट्स है वो पेमेंट करने के बाद उसको रिस, रिसिप्ट डाउनलोड करने की ऑप्शन नहीं मिलता है तो वहां पे आपको क्या करना है वहां पे आपको फिर से भारत को उस वेबसाइट में जाना है होम पेज में तो वहां पे नीचे अगर जाओगे आपको ट्रैक योर पेमेंट और नो योर पेमेंट स्टेटस ऐसे करके एक ऑप्शन मिलेगा नीचे भारत पे वेबसाइट के नीचे आपको ट्रैक योर पेमेंट और नो योर पेमेंट एक ऑप्शन मिलेगा वहां पे आपको क्लिक कर देना है और वहां पे आपको ईमेल एड्रेस आपका पुट करना है जो कि आप रजिस्ट्रेशन के टाइम आप दिए हो जो ईमेल एड्रेस उसको पुट कर देना है फिर आपको एक ओ आ जाएगा आपके ईमेल पे तो उसको आपको भर के फिर कब्जा फिल करने के बाद आपका जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो शो कर देगा उसमें से जो ट्रांजेक्शन आप रिसेंटली किए हो फॉर दिस पेमेंट सो आपको उस ट्रांजेक्शन के आई के ऊपर क्लिक कर देना है तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा तो ये एक चीज क्लियर हो गया तो आप डाउनलोड करने के बाद उसको स्टोर कर दे कर, कर दीजिए आपका डेस्कटॉप पे या फिर मोबाइल पे जहां पे भी आप स्टोर करना चाहते हैं स्टोर कर दीजिए फिर से आप जाइए कहां पे फिर से अगेन यू जस्ट लॉग इन इन योर एस आर बी वेबसाइट फॉर योर एस टी ओ एंड एस एम एस फॉर्म सो आफ्टर लॉग इन देयर विल बी यू हैव टू चीज चूज द भारत कोस पे ऑप्शन एंड यू हैव टू अपलोड द रिसिप्ट पेमेंट रिसिप्ट before uploading you have to mention those that uh, reference number that has been given in your receipt okay so that might be 13 digit or something like that 13 digit number you have to uh, put it in your form uh, and then you just upload the document the receipt okay then uh, click on okay or like that so after that you can print your application form so print that application form and uh, save it uh, in soft copy form so which you will be uh, referring your future whenever you are going for interview or there may, they may ask for your form so you just keep it in a separate folder so this is about uh, uh, the payment and how to choose uh, the centers that is already here and uh, what uh, then the preference preference part how you can fill the preference part you just write one two three four like that Aside to your uh, preference of posting, okay. You just if you want to take your posting in uh, let's say Goa, so you just write one aside to Goa, then two like that, okay. So this is about how how you can pay the uh, pay the application fee for the SMS STO as well as NET exam. If you have any doubts, still regarding the exam exam pattern then you can ask me in the comment section we'll make a separate video for that and how to prepare for the net exam it's already in my channel so you can just go and watch that if you have any doubt regarding any concept of agronomy or any concept of